नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग अपने यूनियन बैंक क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कैसे करेंगे, इसका पिन पहली बार कैसे बनाएंगे, और जो तरीका हम आपके लिए लेकर आए हैं यह बहुत ही सिंपल तरीका है। बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग अपने यूनियन बैंक क्रेडिट कार्ड का पिन बना सकते हैं पहली बार। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आपका क्रेडिट कार्ड आराम से एक्टिवेट हो जाएगा और आप इसका पिन भी बना के आप अपने क्रेडिट कार्ड को आसानी के साथ यूज भी कर पाएंगे। तो हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपको लेके चलेंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पे। आप लोग इसको अपने मोबाइल से या फिर पीसी लैपटॉप से जो भी आपके पास हो उससे बहुत ही आसानी के साथ अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर पाएंगे, इसका पिन भी बना पाएंगे। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो आपको अपने यूनियन बैंक के क्रेडिट कार्ड का पिन बनाने से पहले आपको अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करना होगा। आप लोग एक्टिवेट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एक मैसेज भेजना है। तो हमें यहाँ से आ जाएंगे मैसेज वाले सेक्शन में, यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक कर देना है या जो भी ऑप्शन आप में आता हो, यहाँ आपको इस नंबर पर एक मैसेज भेजना है। वह नंबर है 7836884400। यहाँ स्क्रीन पर भी यह नंबर आपको दिखाई दे रहा है, आप लोग इस नंबर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और यहाँ मैसेज बॉक्स में आपको टाइप करना है कार्ड CARD कैपिटल में लिखना है, इसके बाद ACKW, इसके बाद एक स्पेस देना है। आपके क्रेडिट कार्ड का लास्ट का जो 4 डिजिट है, आपके क्रेडिट कार्ड का लास्ट का जो 4 अक्षर है, उस चीज़ को यहाँ पर अब लिखना है स्पेस के बाद। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसको जो भी आपके क्रेडिट कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर से इस SMS को भेज देना है। तो हम भेज लेते हैं। अब आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना है, 15 से 20 सेकंड, 25 सेकंड, 1 मिनट भी कभी कभी लग जाता है। यूनियन बैंक की तरफ से एक सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। जब मैसेज आ जाए तब आप यह समझिएगा कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वह एक्टिवेट हो चुका है, अब आप उसका पिन बना सकते हैं। SMS भेजने के बाद अब आपको अपने यूनियन बैंक क्रेडिट कार्ड का पिन कैसे बनाना है और जो सबसे सिंपल तरीका है वह हम आप लोगों को बता देते हैं। तो यहाँ से आपको ओपन कर लेना है अपना क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेने के बाद यहाँ आपको आ जाना है सर्च बार में और यहाँ पर लिखना है यूनियन बैंक क्रेडिट कार्ड और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ URL पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, किसी फेक वेबसाइट पर मत जाइएगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और इसके बाद आपको टाइप कर देना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड पोर्टल, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देते हैं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने खुलकर आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन दिख जाएगा ग्रीन पिन जनरेशन। यहाँ पर ग्रीन पिन जनरेशन में नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा क्रेडिट कार्ड एंड ट्रेवल कार्ड का, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है क्रेडिट कार्ड एंड ट्रेवल कार्ड पर। क्लिक कर लेने के बाद अब यहाँ पर आपको आपके क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स है उसको डालनी है। सबसे ऊपर आपको डालना रहेगा कार्ड नंबर, जो भी आपके क्रेडिट कार्ड के पीछे रहता है 16 डिजिट का। उसके बाद आपको डालना है एक्सपायरी मंथ एंड एक्सपायरी डेट। उसके बाद आपको डालना है मोबाइल नंबर और इसके बाद यहाँ पर आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ का मतलब यह है कि क्रेडिट कार्ड होल्डर का जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसको डालेंगे, मतलब जिसके नाम से क्रेडिट कार्ड है उसके डेट ऑफ बर्थ को। तो यहाँ पर हम सब कुछ फिलअप कर लेते हैं और यहाँ मोबाइल नंबर लिखते समय यहाँ पर आपको कंट्री कोड जरूर डालना है, यानी कि 91 पहले लिखना है, इसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको लिखना है। और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है और यहाँ आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एंटर द OTP रिसीव्ड टू योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ योर क्रेडिट कार्ड। तो आपके क्रेडिट कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, उस OTP को हम ले लेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। OTP डालने के बाद यहाँ आपको वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब यहाँ पर आपको पिन बनाना है 4 डिजिट का, 4
4 डिजिट का पिन आप वही बनाएंगे जो आप याद रख सकें। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके अपने मोबाइल नंबर का लास्ट का जो 4 डिजिट है उसको नहीं बनाना है, आपके डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर होता है उसको नहीं बनाना है, क्योंकि लोग ग्रेस कर लेते हैं। कुछ ऐसा बनाइएगा जो आप याद भी रह सकें और थोड़ा सा यूनिक हो, यानी कि लोगों के दिमाग में वो चीज़ न आए। तो हम यहाँ पर अपना पिन बना लेते हैं। पिन यहाँ पर आपको डालना है दो बार, यानी कि एक बार एंटर पिन, एक बार कन्फर्म पिन। इसके बाद यहाँ सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पिन जनरेटेड सक्सेसफुली, डू नॉट शेयर द पिन विथ एनीवन, बैंक नेवर कॉल टू वेरीफाई द पिन आर एनी कार्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। कहने का मतलब यह है यह पिन किसी को शेयर नहीं करना है और जो बैंक है आपकी वह आपसे कभी भी पिन या फिर कार्ड डिटेल्स नहीं मांगती। अगर कोई मांग रहा है तो मतलब वह फ्रॉड है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स किसी को शेयर नहीं करनी है। आपके घर का कोई सदस्य हो, कोई आपका यार हो, कोई दोस्त हो या फिर कोई भी हो, किसी को नहीं देना है। अगर आपका यूनियन बैंक क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हो चुका हो, आपने बहुत ही आसानी के साथ अपने क्रेडिट कार्ड का पिन बना लिया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको इस प्रकार के कंटेंट देखने पसंद हैं, अगर आप लोगों को और जानकारी चाहिए क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो आप प्लीज़ इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें क्रेडिट कार्ड से संबंधित तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद। वंदे मातरम।